नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। चलिए प्रसन्नता के साथ आज हम प्रोजेक्ट कार्य करेंगे, चलिए मिलकर करेंगे। परंतु हमारा लक्ष्य होना चाहिए सीखना, तो हम सीखने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22, इसमें आपके शाला का नाम, डाइस कोड और आपके अनुक्रमांक लिखना है, जो कि आपने लिख लिए होंगे। चलिए, इंग्लिश की वर्क शीट का पहला प्रश्न है, ड्रा आर पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एटलीस्ट टू ट्रीज एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम। यानी आपको कम से कम दो वृक्षों के चित्र या तो बनाने हैं या चिपकाने हैं, और उनके बारे में आपको पांच पांच वाक्य लिखना है। यदि आपके पास कोई चित्र पर्टिकुलर साइज का हो तो आप यहाँ पर चिपका सकते हैं, ठीक है, और नहीं हो तो चित्र बना लीजिए। बनाना भी बड़ा आसान है, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये रहा आपके पेड़ का तना। अब इसकी ऊपरी हिस्से बना लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सरल है। चलिए, ये बन गया हमारा पेड़, इसका ये बेस बना देते हैं अपन, ठीक है, इसमें रंग भी भर देते हैं। नीम का पेड़ है तो नीम का पेड़ हमारा हरा होता है, तो ऊपर हरा रंग भर देते हैं। जरूरी नहीं कि हूबहू वैसा का वैसा ही बने, प्रयास कर सकते हैं। और यदि वृक्ष नहीं दिखाई दे रहा है नीम का, तो आप कम से कम लिख सकते हैं कि भैया ये है नीम का पेड़ है, तो भी चलेगा। ठीक है, अब इसके तने को हम दूसरे कलर से कर देते हैं। थोड़ी बहुत घास बना देते हैं। तो कौन सा पेड़ है आपका? यह नीम ट्री, ठीक है। ये रहा हमारा चित्र, यदि चित्र आपके पास उपलब्ध है इसी साइज का तो आप चिपका सकते हैं। चलिए, इसके ऊपर पांच लाइन सिंपल सी सरल सी लिख लेते हैं। नीम ट्री बहुत कॉमन है, तो नीम ट्री इज अ कॉमन ट्री फाउंड इन इंडिया, भारत में यह अक्सर कहीं भी उपलब्ध हो जाता है, ठीक। नीम ट्री इज आल्सो कॉल्ड नीम, इसको नीम भी बोलते हैं। ट्री इन इंडिया, नीम ट्री इज आल्सो कॉल्ड नीम ट्री। दूसरा, इसमें मेडिकल प्रॉपर्टीयां होती है तो नीम
trees. Have medicinal property. ठीक है, the tree has the tree has yellow yellow colored fruits. फ्रूट्स, इसके येलो कलर के फ्रूट्स एंड फल होते हैं. द ट्री कैन बिकम अ वेरी टॉल. बहुत लंबा हो जाता है. वेरी फास्ट यानी बहुत जल्दी ही बहुत लंबा हो जाता है. आखिरी लाइन क्या लिख सकते हैं हम? नेम ट्री इज कनेक्टेड टू द इंडियन इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर, ठीक है. पांच वाक्य लिखे हमने नीम के पेड़ पर. पहला लिखा, नीम ट्री इज अ कॉमन ट्री फाउंड इन इंडिया. नीम ट्री इज आल्सो कॉल्ड नीम ट्री इन इंडिया. नीम ट्री हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी. The tree has yellow colored fruits. The tree can become a very tall, very fast. Neem tree is connected to the Indian culture. यह पांच वाक्य है. इसके अतिरिक्त आप कोई और लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं. हमें कम से कम दो वृक्ष बनाने हैं. पहला हमने नीम का बना लिया, अब दूसरा बना लेते हैं. दूसरा हम बना लेते हैं बरगद का. बरगद का तना बड़ा रहता है तो तना बड़ा बना लेते हैं. ठीक, ये तना बन गया. प्रयास कीजिए आप और मुझे लगता है मुझसे भी अच्छा वृक्ष आप बना सकते हैं. दो चार बार प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा चित्र आप बना सकते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मैंने जो बनाया है इसे कई गुना अच्छा बना सकते हैं. ये ऊपरी हिस्सा बन गया अपना, है बरगद का पेड़ का. ठीक है, और बरगद में ऐसे जड़ें निकलती रहती हैं जिससे नया वृक्ष बनता है. ठीक, ये बन गया. इसको फिर थोड़ा 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 हम ग्रीन कर सकते हैं. और तना थोड़ा सा हल्का सा काला कर सकते हैं अपन. क्या बनाया है हमने? ये हमने बनाया है बरगद का पेड़ यानी बनियन ट्री. ठीक है,
ये चित्र बन गया। यदि चित्र की जगह आपके पास यदि चित्र उपलब्ध है तो आप इसको चिपका सकते हैं, चस्पा कर सकते हैं। ठीक है, हमने चित्र बना लिया। अब चलिए चित्र हो गया, इस पर 5 वाक्य लिख लेते हैं, सेंटेंस लिख लेते हैं। पहला सिंपल सा, अ बनियान ट्री, बनियान ट्री इज द नेशनल ट्री, ये राष्ट्रीय वृक्ष है, ट्री ऑफ इंडिया, भारत का यह राष्ट्रीय वृक्ष है। दूसरा, बनियान ट्री ट्री इज फाउंड यानी पाया जाता है इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारत के अलावा बांग्लादेश में, पाकिस्तान में पाया जाता है, इसलिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहेंगे। बनियन ट्री ट्री हैव मेडिसिनल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टियां भी होती है। फिर इट बिलोंग्स टू द फिक फैमिली, ये फिक फैमिली से बिलोंग करता है भैया, संबंधित है, जो अंजीर होते हैं ना उस प्रॉपर्टी वाला ही है। ठीक है, और अंत में बन यान ट्री कैन लिव एंड रह सकता है, जीवित रह सकता, कितने साल तक रह सकता है, लिव फॉर 100 ऑफ ईयर्स, कई सालों तक जीवित रह सकता है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, बनियान का, बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ का चित्र बनाया, उसके बारे में 5 वाक्य है। अ बनियान ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, अ बनियान ट्री इज फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बनियान ट्री हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इट बिलोंग्स टू द फिक फैमिली, बनियान ट्री कैन लाइव फॉर 100 ऑफ ईयर, कई सालों तक यह रह सकता है। ठीक है, यह था नीम और बरगद के पेड़ के चित्र और उनके बारे में 5 वाक्य। ऐसे ही आप अपने हिसाब से दूसरे वृक्ष के बारे में भी लिख सकते हैं। प्रश्न है हमारा, ड्रा आर पेस्ट ऑल द फेसेस ऑफ द मून एंड कलर देम, यानी या तो आप चित्र बनाइए या चिपकाइए किनके, चंद्रमा के विभिन्न फेस, जो चेहरे बनाते हैं ना हमारा चंदा मामा, उनके फेस चेहरे को हमें बनाना है और उनमें रंग भरना है। चलिए बना लेते हैं, पर कैसे बनाएं, सबसे सरल तरीका, ये रहा हमारा सिक्का और इस सिक्के से बनाएंगे हम हमारा चंदा मामा, और दूसरा यदि तरीका आपको पता है तो उससे भी बना सकते हैं। ये एक चंदा मामा बना, यहाँ दूसरा बना लेते हैं, ये दूसरा चंदा मामा बना अपना, तीसरा बना लेते हैं, ठीक, और आखिरी में एक और बना लेते हैं।
चार हो जाएंगे हमारे चंदा मामा। प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे चंदा मामा, परंतु ये तो पूरे पूरे हैं, एक बनाते हम छोटा। छोटा करने शुरुआत है इसकी, जब उदित होता ना हमारा चंदा मामा वो वाला बनाया। फिर एक स्थिति होती है कि चंदा आधा रह जाता हमारा, ये आधा बना लेते हैं, और एक हो जाता है पूरा, ठीक है। यानी एक बनाया था आधा, तो इसको ये शुरुआत स्टेज होती है। इसमें हो जाता है हमारा आधा यानी हाफ, और ये हो जाता है पूरा। इनके नाम भी अलग अलग है, ये बिल्कुल शुरुआत होती है, तो उसको बोलते हैं नेवमोन। क्या बोलते हैं? नेव मून। ये होता है शुरुआत वाला, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट मून, और ये होता है आधा, इसको बोलते हैं हाफ मून, और ये होता है फुल फुल मून, ठीक है। ये चार स्टेज होती है, चारों ही हमने बनाई है, परंतु इनमें कलर तो किया ही नहीं हमने। चलो कलर कर देते हैं। कलर कौन सा करें इनमें? तो कलर येलो कर देते हैं। येलो। और कौन सा गाना है मामा वाला? चंदा है तू मेरा सूरज है तू, चंदा मामा वाला। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा। और बचपन में कौन सी पोएम सीखी थी हमने? वो वाली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूल के, तुम खाना थाली में मुन्ने को दो प्याली में, प्याली टूट मुन्ना गया रूठ, और प्याली लाएंगे मुन्ने को देंगे। ये हमारा बन गया पूरा चंदा मामा, ठीक है। ये फुल मून, ये हाफ मून, ये क्रिसमेन मून, और इसे क्या कहेंगे? ये तो उदित ही नहीं हुआ, तो इसका रंग हम ब्लैक ही रखेंगे, ठीक है। और चंदा मामा कब नहीं निकलता? अमावस को नहीं निकलता? ये पूनम को कब नहीं निकलता है? तो अमावस्या के दिन का है यह, और यह है पूनम का चार, ठीक है। इसे भी अच्छे बना सकते हैं आप, चलिए बनाइए आप। अगला प्रश्न है, ड्रा अ पिक्चर ऑफ रेनबो एंड कलर्ड इट, यानी रेनबो यानी इंद्रधनुष का चित्र बनाना है, उसमें रंग भरना है। राइट द नेम ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो एंड फाइव सेंटेंस अबाउट इट, यानी पांच और सात जो रंग होते हैं उनके नाम लिखना है, और उसके बारे में हमें पांच वाक्य लिखना है। चलिए पहले तो हम रेनबो यानी इंद्रधनुष का चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। पहले तो आप ये प्रकार लीजिए, इसको एक स्थान पर रख दीजिए, रख दिया, और फिर इसको घुमाइए, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी दूरी इसकी बढ़ा दूंगा, थोड़ी सी दूरी बढ़ा दी अपन ने, थोड़ी सी और बढ़ा दूंगा, थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए, थोड़ी
थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए, ये लेयर बनती जाएगी हमारी। अब ठीक है, थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए। अब ठीक है, यह इंद्रधनुष का स्ट्रक्चर हमारा लगभग तैयार है। आगे देखिए क्या करते हैं इसके साथ। चलिए, हमारे रंगों की लेयर बन चुकी है, यहाँ पर कुछ बादल बना देते हैं, अच्छा लगेगा। इधर भी कुछ बादल बना देते हैं। ये आसमान में बन रहा है। चलिए इसमें अब रंग भर देते हैं। ऊपर का रंग सावधानी से भरना है, बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए, कोशिश करना है। और अंदर के थोड़े बहुत इधर के उधर भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया हमारा इंद्रधनुष। अब इस पर हम चार पांच सेंटेंस लिख लेते हैं। रेनबो हैज सेवन कलर्स, देयर आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट कलर्स इन द रेनबो। रेनबो इज मोस्ट विजिबल आफ्टर रेन। रेनबो इज एन नेचुरल साइट ऑफ नेचर। द रेनबो इज राउंड बट वी कैन सी हाफ ऑफ द अर्थ। ये है रेनबो के बारे में पांच सेंटेंस। इसके अलावा भी आप और कोई लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यह था वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के प्रोजेक्ट कार्य, अंग्रेजी विषय का प्रोजेक्ट कार्य अभी हमने किया। आशा करता हूँ आप अपने मन से प्रयास करेंगे और प्रोजेक्ट कार्य हल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।